अभी आप अनंत ग्रंथ का पाठ सुन रहे थे। अब संगत की तरफ से कुछ विचार, कुछ प्रश्न हैं। दानी जी की तरफ से है, गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। सामवेद का मंत्र लिखा है, ऋषि हैं वामदेव, जो अपनी चेतना को, अपने विचारों को इस जगत में खपने नहीं देता, बल्कि अपने चिंतन की धाराओं को ऊपर की तरफ को पलट देता है, ईश्वर की तरफ अपनी कामनाओं को ले जाके जो भक्ति, साधना, उपासना में परिवर्तित कर देता है। ऐसे ऋषि को हमारे यहाँ वेद में वामदेव कहा गया है। छंद गायत्री तीन पदों में जो ऋचाएं गाई जाती हैं वो हैं गायत्री, और एक पद वाली गायत्री भी होती है, द्विपदा गायत्री भी होती है, त्रिपदा गायत्री भी होती है, चार पदों वाली भी गायत्री होती है, पांच पदों वाली भी गायत्री होती है, और केवल एक अक्षर प्रथम ऋचा, एक अक्षरी ऋचा, उसका छंद भी गायत्री कहा गया है। वो प्रथम ऋचा, एक अक्षर की ऋचा क्या है? ओम। जो वेदों का सार कहा गया है, पितामह ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ वो शब्द, सकल विश्व ब्रह्मांड में गूंजने वाली प्रथम ऋचा, एक अक्षरी ऋचा, उसको कहा गया है, और उसी को गुप्त गायत्री भी कहा गया है। इस ओंकार का छंद गायत्री कहा गया है। गायत्री का अर्थ होता है गायन करना, ईश्वर की महिमा का गायन करना। गुप्त गायत्री क्या है? जब हम मौन बैठे हैं, किसी भी मंत्र को नहीं जप रहे हैं, ना ओंकार, ना निरंकार, ना सोहंग, ना सतनाम, ना ओम भूर भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम, किसी को नहीं जप रहे हैं, केवल शरीर में आते जाते हुए सांस की धुनों पर हमारा ध्यान है, उस अवस्था को गुप्त गायत्री हमारे ऋषियों ने कहा है। तो ये गायत्रियों के प्रकार हमारे ऋषि गणों ने निश्चित किए हैं। इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में ईश्वर की आवाज गूंज रही है, सामवेद उसको उद्गीत कहता है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, सितारे, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, वायु, अग्नि, जल आदि, सप्त सिंधु समुद्र, ये सब उस परमात्मा, परम ब्रह्म, पुरुषोत्तम परमेश्वर का उद्गीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। उस गीत को ही साम कहा है, सामवेद कहा है, और उसी सामवेद की ये ऋचा है। ऋषि हैं वामदेव, छंद है गायत्री, देवता हैं अग्नि,
देवता से मतलब है विषय वस्तु क्या है और ईश्वर के किस गुण का, किस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ईश्वर के तेजोमय रूप का वर्णन इसमें है और स्वर है सड़ज। सभी गायत्रियों के स्वर सड़ज पे स्थापित किए जाते हैं, प्रथम स्वर सा के ऊपर। ओम अग्ने मृड महाम अस्य आ देव युज्जनम इयेथ बहिरासदम। हे आदि देव, तू महान और सर्वव्यापक है, तू दैवी संपदा से युक्त है, ज्ञान में स्थित पुरुष को सब प्रकार से तू सुख और शांति प्रदान करता है। जो व्यक्ति ईश्वरीय ज्ञान में स्थित हो जाता है, हे परमेश्वर, उसको तू अपनी शरण में ले लेता है। चवन ऋषि के तपस्या के बारे में अवगत कराएं। उनके ध्यान समाधि काल में दीमक जैसे कीटाणुओं ने उनके शरीर पर मिट्टी की बांबी बना ली थी और किसी राजा की कन्या ने अनजाने में उनकी आंखों में तिनके के द्वारा उनकी आंखें फोड़ दी थी, उसमें से रक्त बहने लगा था। अमेठी की तरफ आप जाइए, हम लोगों को वहां जाने का अवसर मिला है। वहां चवन ऋषि का स्थान है, वो स्थान जहां पर वो तप में लीन थे और उसी क्षेत्र के राजा थे जिनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी पुत्री का नाम था सुकन्या। वो अपनी सखियों के संग वन विहार करती हुई उधर गई और देखा एक बमी बनी हुई है, दीमक की बमी बन जाती है और उसमें दो सुराख हो रहे हैं और वे चमक रहे हैं। जिज्ञासावश दो तिनके या डंडियां उसने उठाई और ऐसे लकड़ियां घुसा दी तो वहां से रक्त की धारा बही। राजा के सैनिक उधर आए और उन्होंने देखा, वे सब डर गए। देखा वहां पे तो एक ऋषि बैठे हुए हैं और सेना का बुरा हाल हो गया। वे बीमारियों से, तुरंत भयंकर बीमारियों से पीड़ित हो गए, छटपटाने लगे। राजा को मालूम हुआ ऐसे ऐसे हो गया। राजा क्षमा याचना करने के लिए ऋषि चवन के आश्रम में गए और कहा, हे प्रभु, मेरी इस पुत्री से अपराध हो गया है, आप इसको क्षमा करें और जिससे मेरे राष्ट्र पर कोई संकट ना आए, मैं अपनी पुत्री आपके चरणों में अर्पित करता हूं। इसे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तो उस समय चवन ऋषि की आयु बहुत ज्यादा हो चुकी थी, वृद्ध अवस्था को वो प्राप्त हो गए थे और वो सुकन्या
तरुण अवस्था में थे। ऐसे में ऋषि चवन ने देवताओं के वेद अश्वनी कुमारों का आवाहन किया। उन अश्वनी कुमारों ने एक विशिष्ट स्वर्ग की औषधि उनको दी, जिसको आज हम चवन प्राश के नाम से जानते हैं। चवन उसमें घटक औषधि गाय का घी, केसर, सिद्ध मकर ध्वज, शहद, आमला, पौष्टिक ये वस्तुएं चवन 54 चीजें उसमें डाल के पका के उसको बनाते हैं। उसके सेवन से चवन ऋषि तरुण अवस्था को प्राप्त हुए और उन्हीं के नाम पे उस औषधि का नाम चवन प्रसाद प्रकाश चवन प्राश इस प्रकार से उसका नाम पड़ गया। अमेठी की तरफ हम लोगों का जाना हुआ था और वहाँ उस ऐतिहासिक स्थल पर हम लोग गए थे। उस क्षेत्र में बड़े लंबे लंबे महुए के वृक्ष हैं। तो इतना ये हमने आपको बताया। गुरुदेव रिद्धि किसको कहते हैं और सिद्धि किसको कहते हैं और निधि किसको कहते हैं? रिद्धि सिद्धि निधि तीन चीजें। जो अन्न है, भोज्य सामग्री है, खाने वाली गेहूं दाल चावल वगैरह वगैरह जौ आदि, इनको रिद्धियां कहा जाता है, जो हमारे शरीर को पुष्ट करती हैं। और पहले इस अन्न को प्राचीन हमारे ग्रंथों में औषधि कहा गया है। औषधि सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं। जब कोई उपासक साधक ब्रह्म मार्ग में साधना करते हैं तो उनके मार्ग में वैसे भी ये 8 सिद्धियां आती हैं। महिमा, गरिमा, लघुमा, प्राप्ति आदि आदि। जैसे हनुमान जी अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लेते थे और बिल्कुल छोटा बनाया, सुरसा के मुंह में घुस गया और कान में को निकल गया। सुनते हैं ऐसा, हवा में उड़ गए, पानी के ऊपर चल रहे हैं, आकाश में आकाश तत्व बनकर अदृश्य हो गए, बंद दरवाजों में से आर पार निकल गए। इस तरह की ये 8 सिद्धियां। प्राप्ति, परकाया प्रवेश कर जाते थे, दूसरों के मन की बात जान लेते थे, तरह तरह के चमत्कार, वरदान और अभिशाप देने की शक्ति उनमें आ जाती थी। ऐसे पुरुषों को दिव्य आत्मा, देव पुरुष, देवता आदि कहा जाता है। आजकल के पढ़े लिखे लोग, कुछ वेद पढ़ने वाले, उपनिषद पढ़ने वाले कहते हैं वे देवता का क्या अनुवाद करते हैं, विद्वान। विद्वान नहीं, किताबें आप पढ़ लो आप भी विद्वान हो जाओगे। वेद की ऋचाओं को कंठस्थ कर लो आप भी वेद के विद्वान हो जाएंगे, प्रवचन उन पे करने लगोगे। उपनिषदों के मंत्र कंठस्थ कर लो
छोटे छोटे बच्चे पूरी गीता, भगवत गीता, कृष्ण महाराज की जो बाणी उसको रटे हुए हैं, तो वे देवता नहीं हुए, वे विद्वान उनको हम कह सकते हैं। या जो हमारी माताएं बहनें बहुत ज्यादा पढ़ती हैं, वे विदुष, ऐसा उनके लिए कहा जाता है। लेकिन देवता, सिद्ध, ऋषि, ये साधना करके जब मनुष्य दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लेता है, कहीं भी प्रकट हो गया, कहीं भी अदृश्य हो गया, एक ही समय में कई कई स्थानों पर प्रकट हो गए, ऐसी अवस्था जिसको प्राप्त होती है, उस दैविक शक्ति धारण करने वाले पुरुष को देवता कहा जाता है। जैसे कृष्ण महाराज ने अपना महाकाल स्वरूप दिखाया अर्जुन को, विराट रूप दिखाया, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, देखो ये हजारों हजारों मुख, तो ऐसे पुरुष देवता कहे जाते हैं। उनको ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। महादेव शिव हैं, वो देवों के देव कहलाते हैं, तो देव योनि अलग से ही होती है। उनमें चमत्कार दिखाने की शक्तियां मनुष्य से बहुत अलग उच्चतर, उनमें दिव्यता और शक्ति आ जाती है। ऋषियों ने भी कुछ चमत्कार दिखाए हैं, किसी ने शक्तियां होते हुए भी वो चमत्कार नहीं दिखाए। और कलयुग में भी बहुत से ऐसे लोग हुए, अभी 100 साल भी नहीं बीते होंगे, वाराणसी में विशुद्धानंद, तरह तरह के वो अपने शिष्यों को चमत्कार करके दिखाते थे, इसलिए कि जो प्राचीन तथ्य हमारे सामने आते हैं कि विष्णु की नाभि से एक कमल निकला और ऊपर जाके ब्रह्मा उस पर विराजमान हुआ। एक बार वो प्रवचन कर रहे थे अपने शिष्यों में, विष्णु की नाभि से कमल निकला और ऊपर उस पर ब्रह्मा विराजमान। एक ने पूछा, गुरु महाराज ये तो ऐसा लगता है जैसे काल्पनिक बातें हैं। तो वो ज्ञानगंज जो दिव्य स्थली है तिब्बत में, वहां के विद्यार्थी थे स्वामी विशुद्धानंद। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी नाभि से तुम्हें कमल का पुष्प उगा के दिखा दूं, तब तो तुम मान जाओगे। बोले, क्या ऐसा संभव है? बोले, क्यों नहीं। तो उन्होंने वस्त्र हटाए अपने कंधे से और कुछ थोड़ी देर के लिए ध्यान उन्होंने किया और सबने देखा नाभि से कमल पुष्प, कमल नाल उत्पन्न हो रही है और पूरा वो कमल खिल गया है। उन्होंने कहा, देख रहे हो, वो विष्णु हम सबकी आत्मा में है। उन्होंने
प्रैक्टिकल करके अपने विद्यार्थियों को दिखाया। ये प्रयोगात्मक ज्ञान कहा जाता है, प्रयोगात्मक। ये सिद्धियां हैं। फिर उन्होंने दोबारा ध्यान किया और उसको अपने भीतर समाहित कर दिया। ये तो अभी कुछ दिनों की बात है। उनको शरीर त्यागे हुए मुश्किल से ज्यादा 40-50 साल हो गए होंगे। फिर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा, आजकल तो लोग बस मुंह से तरह तरह के प्रवचन करते रहे। पहले ब्राह्मण होते थे, ब्रह्मवेत्ता होते थे, अगर किसी ने उनको कुछ कह दिया तो भस्म कर देते थे। तो वो बोले, तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आपको भस्म कर दूं? हंसे। बोले, नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज के वक्त में ऐसे लोग हैं नहीं। बोले, अगर होंगे तो आपको क्या लाभ होगा उससे, बताओ? लाभ तो तब है जब व्यक्ति स्वयं साधना करके दिव्य पद पर पहुंचे, दिव्य तत्व को अपने भीतर ग्रहण करे। फिर भी उन्होंने बहस की ब्राह्मण देवता ने और कहा, हम खाली बातों को नहीं मानते। तो स्वामी विशुद्धानंद ने ऐसे ही, उनके कंधे पे चादर थी पंडित जी के, और ऐसे यूं देखा, एकदम से उसमें आग लग गई, एकदम से फेंकी उसने, ये क्या। बोले, हट जाओ, कभी तुम भस्म हो जाओ। ईश्वर हर युग में मौजूद रहता है और पिछले लोगों ने तो कितने चमत्कार दिखाए हैं। अब भी ये चीजें संभव हैं, लेकिन होता क्या है, अगर अब ये जादूगरी की चीजें दिखाने लगे कोई, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, क्या कहेंगे? गुरु महाराज, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे सट्टे का नंबर बता दो, लॉटरी का नंबर बता दो, या कहीं माया दब रही हो तो वो बता दो, और नहीं बताते तो फिर तुम्हारा इंतजाम कर देंगे। भूरिया सोत था यहाँ पर, आगे चिड़ियापुर की तरफ हम लोग वहां गए। वहां एक महात्मा थे, उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां थी। उनके पास एक बटुआ रहता था, बटुआ पर्स, आज के वक्त में हम लोग बोलते हैं पर्स, बटुआ। तो उसमें 80 रुपए रहते थे हमेशा, निकाल निकाल के वो देते रहते थे, लो भाई मजदूर हो, लो भाई इनको काम करने वालों, ये लो सबको। और इधर को आड़ में को गिने, उन्हें कितने चाहिए? अने जी 200 चाहिए, 280 फिर भी उसी में, 1000 हो गए साहब इसके, मजदूर के मजदूरी हो गई इन्हें 20 दिन काम करते हुए। बोले, अच्छा अभी देता हूँ। तो वो ऐसे आड़ करके और गिने ले जा। अब किसी एक ने ये बात ताड़ ली, जांच कर ली कि महाराज के पास में कुछ ना कुछ पुड़िया है, कोई जादू है इस पे। और वो था चोरों के गैंग में। अब एक रात 8-10 आदमियों को लेके वो आ गया। महाराज, कहाँ है वो बटुआ तुम्हारा, जिसमें से तुम धन निकाल निकाल के देते हो? बोले, भाई मेरे पास कहाँ धन रखा है, कहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है। गुरु ने मुझको दिया था एक बटुआ कि तू भीख वीख मत मांगना, 2-4 रुपए इसमें से निकाल दिया करना।
और उन्होंने लेकर के ऐसे ही झाड़ा तो उसमें से कुछ भी ना निकला बटुए में से। वो तो उनके हाथ में थी ना वो सिफत। तो उस महात्मा को उन्होंने बहुत मारा पीटा छेता और उल्टा करके पेड़ में लटका के और नीचे से आग जला के खत्म कर दिया। इन रिद्धि सिद्धि चमत्कारों का ये परिणाम भी होता है। तो जब कोई व्यक्ति परमात्मा के मार्ग में आगे को बढ़ता है ईमानदारी के साथ, ईमानदारी और बेईमानी क्या है वो भी आप समझ लो कि जो जो नियम बताए गए हैं यम नियम उनका पालन करते हुए सच बोलते हुए झूठ ना बोले, उपवास जैसा गुरु कह रहे हैं वैसा करता रहे, नियम संयम का पालन करे, अपनी वाणी को बस में रखे, मनुष्य से अपनी जुबान को बस में नहीं रखा जाता। आप अगर ध्यान दें तो हम लोग इतना फालतू बोलते हैं फालतू बोलते हैं फालतू बोलते हैं, हर वक्त कहीं भी बैठा दो नॉन स्टॉप चलता रहेगा चलता रहेगा। कुछ आदमियों को तो बोलने की बड़ी ही प्रैक्टिस होती है, सब थक जाएंगे वो बोलता रहेगा, क्या 100 आदमियों को एक आदमी चुप कर देगा। तो जब ये ज्यादा बोलने वाले लोग मर के परमात्मा के यहाँ गए, बोले भाई इनका क्या होगा, ये तो बड़े बोल रहे हैं और ये तो फालतू की बात बोल रहे हैं, इन्होंने तो दुनिया में झगड़े करा दिए, इन्होंने तो राड़ के बीज बुआ दिए, इनको तो जबान इतनी बुरी है, माताएं भी ऐसी हैं और आदमी भी ऐसे हैं। तो परमात्मा ने उनको बिना बोलने वाला कुत्ता बैल गधा ऐसा बना, कभी कभी भौंक लेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन कोई समझ थोड़ी सकता है कि ये क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं। तो वाणी का दुरुपयोग है, जो नियम धर्म आचरण करते हुए परमात्मा की तरफ को चलते हैं तो ये सिद्धियां ये दिव्य ताकतें उसके पास आती हैं। अब दूसरी बात है संभलना ना संभलना, उनका सदुपयोग और दुरुपयोग ये भी होता है। हमारे यहाँ शुरू शुरू में जब झोंपड़ियाँ पड़ी हुई थी खूब आराधना हम लोग करते थे और हमारे साथियों में बहुत सों को इस तरह की चीज़ें आई, वे बताने लगे तुम्हारे घर में इधर को ये रखा है, तुम्हारी चोरी करके वो ले गया है, वो सामान वहां पे रखा है, यहां बैठे हैं यहां बैठे बैठे वहां की बताने। तो उसका दुरुपयोग शुरू हुआ और वे उनकी शक्तियां भी धीरे धीरे नष्ट हो। बहुत जरा सी चीज अगर किसी पे आ जाती है ना तो वो उससे संभलती नहीं। तो परमात्मा अपने खजानों की चाबियां किसको देता है, जो बहुत समझदार गहर गंभीर तरह तरह के उसमें लग जाते हैं। बहुत सारी चीजें उनकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, अवगुणों में फंस जाते हैं साधक, 100 में से 100 फंस जाते हैं, निकल के फिर कोई दोबारा आगे को चलना शुरू करे तो वो दूसरी बात। काम क्रोध लोभ ये 3 चीजें साधकों को नष्ट कर देते हैं, या तो वे संसार में आसक्त होने लगते हैं या लोभ में पड़ने लगते हैं, लोभ लालच अहंकार अपनी प्रतिष्ठा में पड़ने लगते हैं, कोई उनको जरा सी बात कह दे क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं, ये सारी चीजें उनकी शक्तियों को नष्ट कर डालती हैं।
तो ये रिद्धि सिद्धि और निधि। निधि क्या होते हैं? जो धन जमीन के भीतर गड़ा रहता है, तरह तरह के हीरे जवाहरात सोना चांदी रतन सब पत्थरों में से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी में से प्राप्त होते हैं। तो बहुत से लोग इसी चक्कर में पड़ जाते हैं, साधना करने वाले ऐसी विद्या सीख लेते हैं कहां धन गड़ रहा है, और किसी को हाथ आ भी जाता है तो आप सोचो उसका क्या वे सदउपयोग करेंगे, आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे लोभ लालच में। और माया तो ऐसे रहवे पत्ताल में और बोले कपाल में, आदमी की बुद्धि खराब कर देती। तो जो सच्चे साधक होते हैं वो धन को भी हाथ नहीं लगाते, हाथ लगाते ही हाथ काले हो जाते हैं, उससे कालिक पड़ जाते हैं। तो अब आप देख लो कितने साधक ऐसे होंगे, बहुत मुश्किल से कोई मिलेंगे। तरह तरह की विघ्न बाधाएं आते हैं साधना के मार्ग में। फिर गुरु के अनुसार जो चलने वाले हैं वे इन सिद्धि रिद्धि निधि इन तीनों संपदाओं से परे निकल पाते हैं। नहीं तो, और जो गुरु की बात नहीं मानते उल्टा ये कहें अजी गुरु जी तुम्हें क्या पता, अजी तुम ना जानते कुछ है, तो वे ऐसी जगह जाके फंसते हैं, निकलना भारी पड़ जाए, ऐसी ठोकर खा के गिरे में कोई उठाने वाला ना मिलता। तो ये रास्ता कठिन है और आसान भी बहुत है। आसान एक ही चीज बनाती है, अगर हम गुरु की आज्ञा में चल रहे हैं, कोई भी साधक कोई भी अगर गुरु की आज्ञा में चल रहे हैं और गुरु कहे सोने के इस ढेर को उठा के नदी में फेंक दे तो चेला एकदम फेंक देगा, ये कहेगा गुरु का तो दिमाग चल गया, गुरु जी तुम तो वहां नेटवर्क जाने को कह रहे थे, वही आओ तुम, मैं इधर को जा रहा हूं कोतवाली को है? गुरु का तो दिमाग चला हुआ है, इसे क्या पता धन तीरे जवरात क्या हूं, ये तो खुद पकड़ फिर मेरा और नाश कर देगा। बहुत सारी चीजें हैं इस तरह से, तो साधक उनमें फंस जाता है और फंसा और दुर्गति हुई है। शुरू शुरू में लगता है गुरु महाराज जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे, जैसा कहोगे आप तो परमात्मा हो हमारे। अब भाई देखो सावधान रहिए, ऐसा मत करिए, गुरु महाराज क्या करें हमारा मन तो नहीं है लेकिन लोग कह रहे हैं तुम ऐसा कर लो है भैया कर लो, गुरु और क्या कहेगा उसे पता, यो दुआ सलाम से भी चला जाएगा अगर इसे तुम ज्यादा मने करोगे, जाओ भैया ऐसे ही कर लो जैसे तुम्हारे पड़ोस के कह रहे, वहां जाके फंसेगी। बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती, परम सत्य की खोज कैसे करें, जैसे हम लोग कर रहे हैं आप लोग कर रहे हैं, आराधना साधना ध्यान त्याग भाव त्याग। अब पहले ये देखो कि फालतू बातें जो हम बोलते रहते हैं उनका त्याग करो। अभी हम लोग धान काट रहे थे और सबको कहीं कहीं की बातें याद आती रहती हैं, हमको भी आते हैं, हम भी बोल रहे थे, हम भी बात कर रहे थे। एक उदाहरण हम बता रहे हैं, एक भी आदमी चुप नहीं था, जाने कहां कहां की धुर बंगाले की, इधर की उधर की इधर की उधर की, माताओं को तुम बैठा दो एक तरफ को गीत गाने, दो मिनट ढोलक बजावेंगे और फिर
अरे तुझे पता भी इधर का इसका जो ये है, गीत कम गावेंगे, बातें इधर उधर की बेकार की जाने कहां कहां की, जिसे जो पता नहीं होने का उसे बता देंगे। अरे तुझे पता नहीं, देखे बिना। अच्छा देखो, हमें तो तुमसे ही पता चला, बस इसी में मगन हो जाएं। तो उसमें क्या होता है, उनका जो दिमाग है ना, एकाग्रता परमात्मा की तरफ जो लगी हुई है वो हट जाती है, उस चीज से वो हट जाते, एकाग्र उस परमात्मा में नहीं रह पाते। तो वो आप यहाँ कील गाड़ रहे हो इसमें, और कोई आगे भाई सुनो यहाँ मत गाड़ो, और कहाँ गाड़े जी, अरे उधर उस दीवार में गाड़ो, चलो वहाँ जरा सी शुरू हुई आगे शर्मा जी, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, वहाँ गाड़ो, हमारे रसोई में चल के चलो वहाँ गाड़ दी, वहाँ भी नहीं गाड़न दी। तो ये इस कील को और हथौड़ी को लियो फिर हम कहीं गड़ते नहीं है? हमारी साधना, हमारी एकाग्रता, दुनिया भर में कील लियो फिर रहे हैं, बाद में अपने माथे में गाड़ रहे, माथे में लोहे की कील गड़ी, यानी हमारा मन कहीं भी पक्का नहीं हो पाता, कभी यहां कभी वहां, कभी इसमें कभी उसमें, कभी धन में कभी स्त्रियों में, कभी कोई हमें अच्छा पद मिल जावे, कहीं प्रतिष्ठा मिल जावे, कहीं हमारी नामवरी हो जावे, बहुत सारी चीज, बहुत सारी। परमात्मा ने इतने बबाल बिखरा रखे हैं चारों तरफ, आदमी उसी में उलझता है। तो परमार्थ का रास्ता क्या है, परम सत्य की खोज कहाँ है, वो सत्य तो हमारे भीतर ही है। प्रारंभ में ही हमने बताया जन्म और मरण क्या है, ये जीवात्माएं इस पृथ्वी पर आती हैं, परमात्मा इस जीवात्मा को भेजता है अपने सपने पूरे करने के लिए, हमारे नहीं उसके। परमात्मा जगत रूपी सपना देखता है और सोचता है मैं ऐसे करूं ऐसे करूं ऐसे करूं ऐसे करूं, ये करूं वो करूं वो करूं। ईश्वर इन जीवात्माओं को पृथ्वी पर, दूसरे सितारों पर, जगह जगह लोक लोकांतरों में भेजता है अपना सपना पूरा करने के लिए, और उनको तरह तरह के परिधान, तरह तरह के शरीर देता है। किसी को कौवा बना दिया तो वो काय काय कर रहा है, उसको देख के खुश हो रहा है, वाह 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 भाई कौवे वाह। परमात्मा का स्वप्न है, कल्पना है। किसी को कुत्ता बना दिया, ओ भाई चैंकी वही वाह वाह भाई वाह, उसको देख के खुश है। किसी को हाथी बना दिया, किसी को मनुष्य बना दिया, किसी को देवता बना दिया। तो ये जो जीवात्मा यहां पर आकर के शरीर को ओढ़ती है, इसको जन्म कहा जाता है। और मृत्यु, मृत्यु मोक्ष का कारण है। मोक्ष की तरफ को जब हम चलना शुरू करते हैं, चिंतन करते हैं, गहन विचार करते हैं, मोक्ष क्या है, सब कुछ छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी शरीर भी अहंकार भी राग द्वेष सब छोड़ दो, त्याग 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 सब का त्याग, बस एक बाकी रह जाए। और कर्म चक्र क्या है, कर्म चक्र आंधी तूफान संकट दुख बाधाएं और हमारे जीवन का उद्देश्य, उन उद्देश्यों के लिए कठोर कर्म करते हुए बारिश बिजलियां इनसे गुजरते हुए गिरते पड़ते यहां पटके वहां पटके, 100 दफा गिरे फिर उठ के खड़े हो गए,
चल दिए, 100 दफा पराजित हुए, 100 बार अपमानित हुए और फिर अपने लक्ष्य की तरफ, उच्च शिखर की तरफ हम चलते हैं। कभी पहुंच जाते हैं किसी जन्म में शिखर पर, कभी बीच में रह जाते हैं, मृत्यु आ जाती है। यह है कर्म चक्र। तो फिर शांति कहां है? परमात्मा के पास। शांति परमात्मा के पास। यहां तुम चाहे रोज रसगुल्ले खा लो, दुनिया भर में विचरण करके आ जाओ, वहां चलो आज, वहां चलो आज, वहां चलो, सबसे मन भर जाएगा, मन खाली का खाली। चाहे एक इंसान को स्वर्ग का राजा इंद्र भी बना दो तो भी अशांत, हजारों अप्सराएं उसको नृत्य दिखा रही हैं, उसके मन के अनुसार कार्य कर रहे, फिर भी मन भरता नहीं। फिर कहां है शांति? पूर्णता कहां है? शांति कहां है? जहां जाके हमारी आत्मा परिपूर्ण हो जाए और फिर किसी चीज की उसको जरूरत ना पड़े, वो अगाध अनंत शांति है परमात्मा के पास। परमात्मा कहां है? हर एक आत्मा के पास, हमारी अंतरात्मा। वहां का मार्ग क्या है? अपने ही भीतर प्रवेश करना, आंख बंद करते ही अंधकार, महान अंधकार, अंधेरे की जैसे कोई गुफा, और उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। अज्ञात में प्रवेश करते हुए भय, भ्रम, ये सब प्रारंभ में ये चीजें आती हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारी आत्मा इस आत्म गुफा में आगे बढ़ती जाती है, इस गुफा के अंत में जाके सिद्ध पुरुष, देवात्माएं और अनंत प्रकाश, ज्योति स्वरूप, जिसको हम परम आत्मा, परम ब्रह्म, परम पुरुष, पुरुषोत्तम आदि बोलते हैं, उसका दर्शन इस जीवात्मा को होता है और ये मित्र भाव से उसको देखता है, उसका प्रेम इसके भीतर प्रकट होता है और प्रेम में ये उससे लिपटता है और उससे चिपटा लिपटा उसी में विलीन होने लगता है, इसका अस्तित्व उसमें खोने लगता है और पूरी तरह से जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा जल के चारों तरफ घूमते 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 धीरे 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 विलय हो जाता है। ये अवस्था इस जीवात्मा की आ जाती है और फिर इसको परम पुरुष, परम ब्रह्म, परम आत्मा, जिससे परे और कुछ है ही नहीं, परे से परे, उससे भी परे, उससे परे, वो परम तत्व में, परम शांति में, परम मोक्ष में जाके स्थित हो जाता है, वो उसकी निर्वाण अवस्था कही जाती है। परम सत्य की खोज कैसे करें? जैसे अभी बताया है इस तरह से करें। अब थोड़ा सा विक्रमादित्य के बारे में आप सुनिए। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा, उनको 2077 वर्ष आज के समय तक हो चुके हैं और विक्रमादित्य के राज्य को जब 1100 वर्ष हो गए तो भोजराज, राजा भोज, उनका राज्य काल आया और उस समय किसी गांव के कुछ आदमी इकट्ठे होके राजा भोज के दरबार में आए
और कहा, महाराज हमारे गांव के पास एक टीला है और उस टीले पे एक जानवर चुगाने वाला लड़का बैठता है और आपकी तरह ज्ञान ध्यान विज्ञान बड़ी बड़ी बातें करता है। ज्ञान विज्ञान में हो सकता है आपसे भी ज्यादा हो, लेकिन हम उसको अपना स्वामी क्यों माने? हमारे स्वामी तो आप हो, हमारे राजा आप हो। किंतु है अचरज की बात कि अच्छा चलो हम खुद उस लड़के से मिलके आएंगे, देखते हैं कैसा। तो वहां राजा भोज गए, अपने कुछ सैनिकों के साथ, देखा वो लड़का बैठा बांसुरी बजा रहा है बड़ी मधुर स्वर में। और राजा ने बहुत से ज्ञान विज्ञान की बातें पूछी, न्याय की बातें पूछी, ईश्वर के विषय में पूछा, आत्मा के रहस्य के बारे में पूछा। और उस ग्वाले ने, जानवर चुगाने वाले ने एक एक बात राजा भोज को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया। राजा भोज बहुत ज्ञानी पुरुष थे, वेदों का उपनिषदों का इतिहास और पुराण का उनको पूरा ज्ञान था। खुद संस्कृत के कई ग्रंथ राजा भोज ने लिखे थे और उनके राज्य में काम करने वाले कर्मचारी भी संस्कृत में काव्य रचना करते थे। कारीगर लोग, लोहे का काम करने वाले, मिट्टी का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, ऐसे ऐसे लोग भी, इतने विद्वान थे वो राजा। और वहां जाके वो आश्चर्य से चकित रह गए। उन्होंने उस ग्वाले को कहा, आप विद्वान पुरुष हैं, आप धन्य हैं, ये भूमि धन्य है जहां ऐसे ऐसे विद्वान पुरुष मेरे राज्य में मौजूद हैं। आप कल हमारे राजमहल में आइए, हम आपका सत्कार करेंगे, स्वागत करेंगे। तो वहां कुछ लोग उसको लेके पहुंचे, गांव के लोग, और वो राज सी चमक दमक को देख के लड़का घबरा रहा है, क्योंकि ज्ञान ध्यान तो उस टीले की वजह से था। उसे उस टीले के नीचे विक्रमादित्य का सिंहासन दबा हुआ था, जो 32 देवताओं ने उसको प्रदान किया था। इंद्र की शक्ति से देवताओं ने कुबेर की 32 अप्सराओं को अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करके उस सिंहासन में स्थापित कर दिया था। और वो सिंहासन उस टीले के नीचे दबा हुआ था मट्टी। तो वो लड़का पहुंचा वहां ग्वाला, और वो तो घबरा गया देख के, राजसभा की चकाचौंध देख के घबरा गया। राजा ने कहा, हम आपका स्वागत करते हैं, और वो उनके पैरों में गिर गया। महाराज मुझे तुम फांसी पे मत चढ़ा दियो। बोले, ये क्या बात, कल तो तुम बड़े ज्ञान की बात कर रहे थे। महाराज मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मुझे ये पता होता कि मैं राजा के द्वारा पकड़ा जाऊंगा तो मैं कभी उस टीले पे ना जाता। बिल्कुल घबरा गया लड़का। तो दूसरे लोग थे गांव के, वो बोले, महाराज इस लड़के में कोई हुनर नहीं है, तो फिर कि उस टीले के अंदर कोई मायावी शक्ति है। एक सन्यासी था साथ में, बोला, महाराज मेरी तरफ आप देखिए, मैं एक नामी गिरामी डकैत था और एक दिन लूट का सामान
लिए हुए और भागा भागा मेरे पीछे सैनिक भाग रहे थे और मैं उस टीले पे जाके गिर गया, छुप गया वहां उनसे बचने के लिए। और जब मुझे कुछ सांसें मेरी ठीक हुई, मैंने देखा मेरा मृतक शरीर पड़ा हुआ है, मैं मर गया हूं और मेरी आत्मा उस शरीर के ऊपर खड़ी है हवा में। और वहां मैंने एक आवाज को सुना, ए मूर्ख इंसान, पाप करते करते क्या इसी हालत में तू मरना चाहता है? मर जाएगा। और मर के कहां जाएगा? भयंकर नरक में। क्या तू अपने जीवन के अंत तक ऐसा ही पाप आत्मा बना रहना चाहता है? ये सब कर्म छोड़ दे और धर्म को धारण कर, ईश्वर के प्रकाश को धारण कर, जिससे मनुष्य जन्म लेना तेरा सफल हो। और हे महाराज, फिर मैं अपने शरीर में वापस आ गया और मैं उसी दिन से मैंने वो सब चोरी चकारी छोड़ दी और मैं सन्यासी बन गया, महात्मा बन गया। एक दूसरा साहूकार था, उसने कहा, महाराज मैं सूदखोर हूं, ब्याज लोगों से लेता हूं और किसी से ब्याज में लौट रहा था लेके, और उसी टीले की तरफ से मैं गुजर रहा था, अचानक से पता नहीं मुझे चक्कर आया और 3 दिन तक मैं वहीं पड़ा रहा, मुझसे उठा नहीं गया। मैं उठना भी चाहूं तो उठा ना जाए। उस टीले में से कहीं से आवाज आई, ए पाप करने वाले इंसान, दूसरों को दुख देने वाले, तू लोगों को कष्ट पहुंचा पहुंचा कि उनका खून चूस चूस के पैसा इकट्ठा कर रहा है, तू नरक में जाएगा। आज से ही इस कर्म को छोड़ दे। मुझे लगा जैसे मेरे पाप के बोझ ने मुझे दाब लिया और मुझसे उठा नहीं जा रहा है। मैंने तभी क्षमा याचना की, आज के बाद मैं किसी को कष्ट देने वाला काम नहीं करूंगा, किसी से ब्याज नहीं लूंगा, लोगों की मदद करूंगा, आज से मैं एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा। उस महाजन ने कहा, हे महाराज, आप मेरा बदला हुआ जीवन आप देख लीजिए। मैंने उसी दिन वो काम छोड़ दिया। अब राजा भोज, उनको नींद ना आवे, दिन में चैन ना पड़े, हर वक्त आंखों में वो टीला ही टीला गूंज रहा है, टीला। उसकी खुदाई कराई तो वहां पे फावड़े ना चले, कुदाल ना चले। एक रात में उठ के राजा भोज खुद गए और उज्जैन महाकाल की नगरी है, उनसे प्रार्थना की, हे महाकाल मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो वहां एक बवंडर सा उठा और राजा भोज नीचे नीचे और नीचे उस पाताल नगरी में चले गए जहां वो सिंहासन रखा हुआ, और देखा वहां तो दिव्य शक्तियां हैं, अलग ही एक संसार है नीचे जमीन में, और उस सिंहासन को उन्होंने देखा, ये किसका सिंहासन है, और उसके पास जाना चाहते हैं, उसको छुआ, ऐसा बिजली सी उनके हाथों में लगी करंट। एक अप्सरा उसमें से बाहर निकली, सिंहासन में से, कहा, राजा भोज 1100 वर्षों से हम
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम यहां आओगे और हम तुमको विक्रमादित्य की महानता और ईश्वर के बारे में और महामाया जो इस संसार को चला रही है, जिसने सबकी आंखों पे पर्दा डाल रखा है, उसके विषय में हम कुछ तुम्हें बताएं। ये सिंहासन विक्रमादित्य का है। एक बार राहु जो ग्रह नक्षत्रों में राहु है, समुद्र मंथन जब हुआ उसमें से विष अमृत मदिरा कामधेनु कल्पवृक्ष लक्ष्मी चंद्रमा ऐरावथाते उच्चैश्रवा नाम का अश्व ये सब निकले। और जब विष्णु देवताओं को अमृत बांटने लगे तो ये राहु चोरी से देवताओं का भेष बना के वहां बैठ गया और ऐसे करके अमृत पी गया। बाद में सूर्य ने चंद्रमा ने इशारा किया, विष्णु ये तो आपने एक दैत्य को अमृत पिला दिया, लेकिन तब तक वो पी चुका था, गले से थोड़ा नीचे पहुंच गया था अमृत। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, फिर भी मरा नहीं। अब समस्या ये हुई कि उस राहु को देवताओं में कैसे स्थान दिया जाए, क्योंकि स्वभाव तो उसका राक्षसी था। इंद्र के दरबार में वो पहुंचा, इंद्रदेव आप देवताओं के राजा हो और मैं भी अब देवता बन गया हूं। इंद्र ने कहा तुम कभी भी देवता नहीं हो सकते, तुम असुर जाति में से हो। बोले जाति की बात नहीं, मैंने अमृत पिया है। इंद्र ने उसको अपमानित करके अपने स्वर्ग से निकाल दिया। अब वो क्रोधित हुआ। उस समय में वो आकाश में विचरण करता रहा और सोचता रहा कब मैं अपना बदला इन देवताओं से लूं। फिर विक्रमादित्य का शासन संसार में आया, उज्जैन में आया। इंद्र के पुत्र गंधर्व सेन शाप के कारण पृथ्वी पे आए, उन्हीं का पुत्र फिर विक्रमादित्य हुआ। आधा देवता आधा मनुष्य। देवता इसलिए कि उसके पिता इंद्र के पुत्र थे गंधर्व सेन और माता मनुष्य थी, तो मनुष्यता और देवत्व दोनों विक्रमादित्य के भीतर एक साथ स्थापित हुए। उस समय में राहु ने देखा ये ही वक्त है, देवगण जो है पूजा पाठ करके जो मनुष्य हैं वो देवगणों को शक्ति पहुंचाते रहते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, क्यों ना मैं इस पृथ्वी को नष्ट कर दूं। देवताओं को जो ऊर्जा मिलती है शक्ति मिलती है वो मनुष्यों से मिलती है, तो मैं इस पृथ्वी को ही नष्ट किए देता हूं। पुष्य नाम का एक नक्षत्र है, बृहस्पति के सामने जब वो होता है, सूर्य के सामने जब वो होता है, तो मनुष्यों को देवताओं को दुगनी तिगनी शक्तियां प्राप्त होने लगती। राहु ने विचार किया मैं इस पुष्य नक्षत्र को नष्ट कर डालूंगा, इसके नष्ट होते ही पृथ्वी अपने आप विध्वंस हो जाएगा, और वो क्रोधित होके चला।
उधर विक्रमादित्य के राज्य में एक महान ज्योतिषाचार्य थे, वराह महिर। उन्होंने कहा, महाराज, सृष्टि का अंत होने वाला है। उन्होंने कहा, कैसे बचेंगे? कि पहले तो हमें राहु का यज्ञ करना चाहिए, राहु की शांति के लिए यज्ञ करें, हो सकता है वो मान जाए। लेकिन उसका क्रोध इतना भड़का हुआ है कि वो देवताओं से, मनुष्यों से भी मानने वाला नहीं। यज्ञ किया लेकिन राहु माना नहीं। विक्रमादित्य स्वयं अंतरिक्ष में वो प्रवेश कर गए, देवलोक में, नक्षत्र लोक में, और वहां पहले उन्होंने राहु से प्रार्थना की। वो तीन फन वाले सांप के रथ पर विचरण कर रहा था, पुष्य नक्षत्र को नष्ट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था धीरे धीरे। प्रारंभ में विक्रमादित्य ने उससे प्रार्थना की, हे राहुदेव, आप पुष्य नक्षत्र को नष्ट ना करें, अन्यथा पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। वो कहा, मैं यही चाहता हूं, देवताओं ने मेरा अपमान किया है, इंद्र ने मुझे देवताओं में स्थान नहीं दिया, असुरों में भी मैं नहीं जा सकता, क्यों, मैं अब असुर भी नहीं और देवता भी नहीं, तो मेरा स्थान कहां है? इसलिए देवता भी नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। प्रार्थना करने के बाद भी वो नहीं माने राहु, तो वहां फिर विक्रमादित्य ने उसने अंतरिक्ष में ही युद्ध शुरू कर दिया, दिव्यास्त्र चलाए, उधर से राहु ने, उधर से विक्रमादित्य ने। आपको ध्यान रहना चाहिए, विक्रमादित्य इंद्र के पौत्र हैं, इंद्र के पुत्र के पुत्र, तो उसमें देवताओं की भी शक्ति थी और मनुष्यों के भी गुण थे। बहुत भयंकर उनका युद्ध चला, सब देवता इकट्ठे हो गए, किसी की बात मानी नहीं राहु ने। देवताओं ने विचार विमर्श किया, अब क्या करें, हम जो जो शक्तियां इसको विक्रमादित्य को पहुंचा रहे हैं, ये नष्ट करता चला जा रहा है, अब ब्रह्मा ही इसका निवारण कर सकते हैं। ब्रह्मा की स्तुति की, ब्रह्मदेव प्रकट हुए, उन्होंने कहा, राहु ठहरो, तुम अपने प्रतिशोध के कारण, क्रोध के कारण पृथ्वी को, देवताओं को, मनुष्यों को, सबको नष्ट कर देना चाहते हो, ये अनुचित है, ये तुम्हारा राक्षसी व्यवहार है। संसार उनकी पूजा करता है जो दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, जो दूसरों के सुखों को नष्ट करने में लगे हैं, दुख पहुंचाने में लगे हैं, वे हर युग में निंदित होते हैं। विक्रमादित्य ने पितामह ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे पितामह, आप इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, मेरी प्रार्थना है आप इस राहु को देवताओं में कहीं ना कहीं स्थान दे दीजिए, जिससे ये महा विनाश रुक जाए। ब्रह्मा ने कहा, उचित है, मैं अपने ब्रह्मलोक में सभासद के रूप में राहु को स्थान देता हूं। उधर जो राहु उससे टकराने जा रहा था पुष्य नक्षत्र से, वो उस मार्ग से आगे बढ़ गया, पृथ्वी नष्ट होने से बच गई,
देवता भी बच गए, मनुष्य भी बच गए, और ये सब विक्रमादित्य के कारण हुआ। राहु ने विक्रमादित्य को प्रणाम किया, विक्रमादित्य तुम मनुष्य होते हुए भी देवताओं के द्वारा वंदित हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। तुम्हारे कारण से मुझको स्वर्ग से भी बहुत ऊपर ब्रह्मा के लोक में ब्रह्मा की सभासद का स्थान प्राप्त हुआ। ऐसे महान राजा थे विक्रमादित्य, जो कि इस कलयुग में ही हुए। अभी उनके राज्य को 2077 वर्ष हुए हैं। कृष्ण महाराज को पृथ्वी से जाए हुए 5300 कुछ वर्ष हो गए हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल कलयुग के अभी के राजा हुए हैं। तो ईश्वर की दिव्य किरणें अब भी संपूर्ण विश्व में आत्माओं के ऊपर बरस रही हैं। ये हमारी बात है कि हम अपने कटोरे को ऐसे रखें, उस अमृत को ग्रहण करने के लिए प्रतिदिन प्रतिक्षण हम प्रयत्नशील रहें, ना कि इस कटोरे को उल्टा करके ऐसे रख दें और इस पे जगत का विष बरसता रहे। आज बस इतना ही। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।